सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो हाउस एमओडी के बारे में। सो गाइस, प्रीवियस के कुछ वीडियो में हम लोग एमओडी हाउस के बारे में बात की थी, इवन हम लोग ट्री हाउस को बनाए हुए भी थे। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे वो एमओडी हाउस वाला जो भी होता है उसको आप अपने माइनक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कैसे कहाँ पे डालना, ईच एंड एवरीथिंग आपको हम ये माइनक्राफ्ट वीडियो में डिटेल्स वाइज बताएंगे। ओके, और फॉर एग्जांपल आपको फिर से बताते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में अभी देख लो आप, मेरे पास है स्टार्टिंग हाउस। ओके, ठीक है, तो राइट क्लिक करना, देन बेसिक हाउस जो भी हो सकता है ये बिल्ड करोगे एंड देन हियर इज रेडी, लाइक 1-2 सेकंड आपको पूरा घर रेडी हो जाए। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले इसको कैसे अपने सेटिंग्स में, माइनक्राफ्ट का सेटिंग्स में डालेंगे, बनाएंगे एंड दिस एंड दैट। सो गाइस, ऐसा करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो बनाने में। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम लोग मॉड डाउनलोड करेंगे। ओके, तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ हम लिंक दे चुके हैं। ओके, तो आपको यहाँ कुछ इस टाइप का दिखेगा, आप लिंक खोलोगे तो प्रीफैब मॉड 1.16.5, तो आपको यही वाला वर्जन डाउनलोड करना। तो सबसे पहले नीचे जाएंगे, माइनक्राफ्ट 1.16.5 करना। ओके, तो डाउनलोड फ्रॉम सर्वर 1 या 2, जो आप दोनों में से कोई से भी कर सकते हो, तो हम 2 से कर रहे हैं क्योंकि 1 सिस्टम हुआ नहीं था। आप डाउनलोड में क्लिक करना एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर दिया था बट फिर भी आपको दिखाने के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। देन हम प्रीफैब डाउनलोड कर लिए, तो गाइस ये था हमारा मॉड। अब हम लोग को मॉड को क्या करना आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम जैसे डाउनलोड करके हम इसमें रखे। ओके, ठीक है, फॉर्ज में, देन आपको स्टार्ट में जाकर रन क्लिक करना, ठीक है, RUN, या तो आप विंडोज प्लस R क्लिक करके भी खोल सकते हो। देन आप ऐप डाटा में क्लिक करना। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी, देन रोमिंग में क्लिक करना और फिर माइनक्राफ्ट से ऊपर वाले में क्लिक करके देन आप लोग को यहाँ मोड के अंदर जाना होगा, ठीक है, लाइक दिस मोड, और फिर आपको इसको कॉपी पेस्ट या तो ड्रैग करके कॉपी कर देना। ओके, एंड देन देखो आप, मेरा ऑलरेडी पहले किया हुआ है प्रीफैब, तो इसका वर्जन चेंज है क्योंकि हम बहुत पहले किए हुए थे। तो गाइस अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको एक चीज़ और डाउनलोड करना और वो आपको दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपके पास टी लॉन्चर से आप माइनक्राफ्ट खेलते हो, देन आप उसमें क्लिक करना होगा लाइक दिस, और यहाँ पे देखना इसमें जब लेटेस्ट वर्जन जाते हो ना, तो आपको लेटेस्ट वर्जन में क्लिक नहीं करना, आपको क्लिक करना होगा फॉर्ज या तो फॉर्ज ऑप्टिफाइन, ठीक है। तो अब अगर आपके पास ये नहीं है, तो ये डाउनलोड करने के लिए बहुत सिंपल वे में है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम सेंड कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उसमें क्लिक करोगे देन इस टाइप का कुछ वेबसाइट खुलेगा, ठीक है, एंड देन आपको उसके अगेन सबसे नीचे जाना होगा और वर्जन वही 1.16.5 जाना होगा। ओके, देन आप दोनों में से कोई भी सर्वर में डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन जब आप डाउनलोड करोगे देन आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना एंड आपको कुछ इस टाइप का फॉल्स दिखेगा, ठीक है, एंड देन आप इसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ जावा प्लेटफॉर्म SE बाइनरी इसमें क्लिक करना होगा, देन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस इन केस अगर आपके पास जावा वाला नहीं है, देन आप इसको डाउनलोड कर लो बहुत ईजी में, गूगल में सर्च करो मिल जाएगा, और या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आपका सारा चीज़ डाउनलोड हो जाएगा, देन गाइस हियर वी गो। तो गाइस आपका कंप्लीट हो चुका है टास्क, एंड देन आप अगेन, तो गाइस अगर टी लॉन्चर से आप खेलते हो देन आपको उसमें क्लिक करना होगा फॉर्ज ऑप्टिफाइन या तो सिर्फ फॉर्ज से भी कर सकते हो। ओके, एंड देन एंटर द गेम। और गाइस अगर पेड वर्जन आप खेलते हो जावा वाला, तो आपका सेम प्रोसेस यही है, बट वो जो ऐप आता है ना उसमें क्लिक करके आपको करना होगा। सो गाइस कुछ इस टाइप का खुलेगा, देन आपको सिंगल प्लेयर में जाना और आप नीचे देख सकते हो फॉर्ज 36.1.16 लिखा हुआ, दैट मीन्स आप फॉर्ज में हो, एंड देन आपको सिंगल प्लेयर करना होगा। एंड देन गाइस आप क्रिएट न्यू वर्ल्ड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उसमें भी किसी में भी खेल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मॉड हाउस में क्लिक करते हैं और ये खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लग सकता है। और गाइस हमारा वर्ल्ड खुल चुका है, अब आपको करना क्या होगा ना, आप ई क्लिक करना एंड देन सर्च आइटम में सबसे नीचे जाना। ओके, एंड देन गाइस ये हमारा रहा पूरा का पूरा एमओडी हाउसेस, ठीक है। और सिर्फ इसमें हाउस नहीं रहेगा गाइस, इसमें आपको बहुत चीज़ रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको अब देख सकते हो नेदर गेट है, टाउन हॉल है, विंडमिल होगा, स्की लॉज और बहुत सारा चीज़। गाइस जो आपका स्टार्टिंग हाउस है, स्टार्टिंग में ये वाला देख लो, इसमें क्लिक करना एंड देन आप थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना। ओके, और बेसिक्स हाउस में क्लिक करना, तो आपको बहुत सारा डिज़ाइन देगा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये हो गया, देन ट्री हाउस हो गया, डेजर्ट वाला हो गया, आइस क्यूब वाला हो गया, देन ये छोटा सा जो भी है, देन वाटर के अंदर वाला हो गया, ये भी अच्छा है, और फिर ये। एंड गाइस आप इसको अगर प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो क्या होगा ना, आपको इस टाइप का प्रीव्यू देगा। तो अगर आपको फिर भाई बिल्ड करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो भी बिल्ड करना होगा आप बिल्ड में क्लिक करो और ये हमारा रेडी। सो गाइस ये बहुत ही कूल है, और आप ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा अपना फार्म बना सकते हो, अगर आप पूरा अपना सोसाइटी एंड ऑल बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं गाइस, एक दो और मोड हम यूज़ कर सकते हैं। और गाइस मेन बात ये है कि आप अपने सर्वाइवल मोड में भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो और उसमें घर बना सकते हो भी विदाउट एनी चीटिंग एंड ऑल।
तो ये भी काफ़ी कूल है, आप इसमें बना सकते हो अपने सर्वाइवल मोड में और फिर आप उसको शेयर ऑन ऑल करा सकते हो। अब देखते क्या होता है। ओके देन आप इसमें राइट क्लिक करना एंड बिल्ड। ओ भाई सी गाइस, तो ये इसीलिए नीचे नहीं हो रहा था क्योंकि हम ये फ्लैट सरफेस बनाए हुए थे, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 करोगे और आपका ख़त्म, तो इसीलिए वो बन नहीं रहा था। और वेयर हाउस दैट मीन्स इसके नीचे पूरा इतना सारा नीचे रहता है, वेयर हाउस में आप कुछ भी फूड एंड ऑल कलेक्ट कर सकते हो। तो देखते अंदर क्या क्या है, ठीक है। ओके यहाँ चेस्ट, बहुत सारे चेस्ट है, ये खाली है बट। और देन फिर ये अप साइड क्या है, पूरा खाली है, फालतू है ये तो। और बस यहाँ चेस्ट है गाइस और कुछ नहीं है। ओके तो गाइस एक नीचे का रास्ता भी है। ओके ये काफ़ी कूल है, यहाँ पानी एंड ऑल है और अगेन यहाँ बहुत सारे चेस्ट होते हैं। ये तो हमारा हो गया था वेयर हाउस। अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा मॉन्स्टर मैशर। क्लिक करते मॉन्स्टर मैशर। अच्छा तो गाइस ये भी बिल्ड। ओ भाई तो गाइस ये तो काफ़ी सही था यार। इसके अंदर देखते तो इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, लैम्प ऑन। ये क्या हो गया ये? सो गाइस फाइनली हम लोग को आइडिया मिल गया ये है क्या। तो गाइस ये बेसिकली कुछ है नहीं, आपको ऑप्शन में जाके हार्ट करके ओके करना होगा। ओके एंड अब यहाँ ना क्या होगा ना आप देख लेना। ओके तो गाइस ये एक एक्सपी फार्म या मॉ फार्म जो भी बोल सकते हो, और यही है। इसको ऑफ कर दोगे तो वो कोई आएगा नहीं, एंड इसको ऑन करोगे तो बहुत सारा आ जाएगा। ओके तो गाइस आप ओ भाई यार तो बाहर देख रहे हो। ओके बहुत सारा स्लाइम बॉल है। तो चलो यार हम नेक्स्ट अपने हाउस बनाते हैं, एंड दैट इज़ वॉच क्लॉक, वॉच टावर आई मीन। तो वॉच टावर क्या है, रेड है वाइट है, तो गाइस बहुत सारा कलर है तो बिल्ड करते। ओके गाइस आप जान रहे हो जब रचित्रो और लाइव इंसान के बीच में कंपटीशन हुआ था तो ये टावर लगता है यही वाला टावर बनाया था यार। तो चलो हम लोग ऊपर से देखते हैं। ओके तो टावर काफ़ी कूल है एंड चलो सही है। और चेस्ट में कुछ नहीं है, कंजूस। अच्छा हो गया ना, तो ये हमारा टावर हो गया। एंड देन हम बनाते जेल या, तो गाइस ये मज़ा आएगा जेल को। ओके तो गाइस जेल भी बिल्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे भी और बहुत सारा सरफेस है फॉर एग्जांपल, इसलिए हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ तो मे भी बनना चाहिए एंड बिल्ड। ओके तो गाइस ये रहा। अरे यार तो थोड़ा सा ये हो गया छोटा, चलो ठीक है। तो यार जेल काफ़ी सही लग रहा है। तो जेल का गाइस यहाँ एंट्रेंस है। ओके लाइक यहाँ एंट्रेंस है, यहाँ पर कुछ कुछ है। ओके ये कैसे खुलेगा, ये टूट जाएगा। ओके तो यहाँ बहुत सारा जेल में कैदी लोग को रख सकते हो। ओके अरे हम तोड़ क्यों दे रहे। देन हमारा यहाँ विंडोज़ है और यहाँ पे कैदी लोग को खेलने एंड ऑल के लिए जगह है। ओके सही है सही है। और यहाँ क्या है, अच्छा ये, अच्छा यहाँ से था। सो गाइस यहाँ निगरानी रखने के लिए कि कौन भागता है एंड ऑल, यहाँ से गोली से शूट आउट कर सकता। ओके तो चलो जेल भी काफ़ी सही था। तो चलो इसको यहाँ पे क्लिक करते, ये क्या है हाइट एंड विड्थ। अच्छा ये वॉल टाइप से कुछ होगा आई थिंक, एंड ये है। ओके तो गाइस ये भी काफ़ी सही है क्योंकि देखो अगर आपको कुछ हाउस एंड ऑल बनाना है तो फॉर एग्जांपल आपको स्टेयर्स लगाना, स्टेयर्स लगाने मन कर नहीं रहा, टाइम बहुत वेस्ट होता था, बस बिल्ड कर दो। ओके तो गाइस ये काफ़ी सही लगा मेरे को। और सिर्फ आप स्टोर वेस्ट नहीं, आप काफ़ी सारे चीज़ बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मटेरियल्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वॉल बना सकते हो, डोरवेज बना सकते हो, फ्लोर बना सकते हो, फ्रेम बना सकते हो। तो क्या चलो फ्रेम ट्राई करते हैं देन बिल्ड। ओके तो ये यार ये सही है, ये सही है। एंड देन आप यहाँ फ्लोर भी बना सकते हो लाइक रुको बता रहे ना लाइक आप हाँ इसमें क्लिक करके इसमें आपको इसको फ्लोर कर सकते हो, स्टेयर्स हो गया, वॉल हो गया एंड फ्लोर, और आप बिल्ड करेंगे तो ओके तो ये आपका फ्लोर ही बन गया। तो ये काफ़ी सही है, मतलब आपका जो बिल्डिंग है वो इजी कर देगा। तो गाइस ये तो था आज का वीडियो, और गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट होगा देन आप कमेंट में जरूर कर देना। और गाइस ये वीडियो हम बनाए थे क्योंकि एक हमारा सब्सक्राइबर था, ओके वो कमेंट किया था कि हाउ ये आप कैसे बना लिए, तो फिर इसीलिए हम उसके लिए एक वीडियो बनाए। तो गाइस आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और गाइस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं देन सब्सक्राइब कर देना। और या गाइस सब तक के लिए बाय रहेगा।